अभी जो है बस बैटरी वगैरह का पता करके आया था, तो मामा की जो है जरा तबीयत डाउन हो गई उनका, ये ले जूस। मामा की जरा जो है तबीयत डाउन हुई हुई है। फिर वो सामने जो है डोगर सब्जी हाउस है, अब कढ़ाई वगैरह ऑर्डर कर दी है और यहाँ पे जो है ना अभी मैंने देखा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ मूफा नेशन। आज जो है व्लॉग बड़ा लेट स्टार्ट किया जा रहा है, रात के टाइम स्टार्ट किया जा रहा है और सुबह से जो है ना मैं मसरूफ था, गाड़ी के ज़रा ना पाना शाना लगा के इसको किया था, मगर इसकी हवा जो है ना फिर लीक हो गई इस वाली साइड की, अगले वाली साइड पर जो है ना हवा भरी हुई है और इसकी बैटरी का जो है ना काफ़ी ज़्यादा मसला हुआ हुआ था। तो सोच रहा था कि क्यों ना ज़रा बैटरी के बारे में सर्वे किया जाए, तो अब्बू कहते हैं मैं भी साथ चलता हूँ, फिर अभी देखते हैं कि वो साथ जाते हैं कि नहीं जाते। और इसको खोल के जो है ना मैं देख ही रहा था, अब तो ये ना खुलना भी ज़रा कहाँ से खुलती है ये भी नहीं पता सही। इधर जो है ना इसका होता है ये लिवर ये बना हुआ है, मगर खुलती नहीं है यार, पता नहीं क्या रोला है क्या नहीं। खुल गई। ये चेक करो, ये वाली बैटरी जो है इसकी फुल टाइम ख़त्म हो चुकी हुई है। अब ज़रा हमने कहा ज़रा चेक करते हैं बैटरी जाके कि बैटरी आती कितने की है, ताकि हमें पता तो लगे। और ये भाई इसके इंजन की हालत हुई पड़ी हुई है इस टाइम पे, तो ये एक साइड की इसमें ऑलरेडी जो है ना बैटरी लगी हुई है, जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा जो है ना मसला करती थी। अब खैर उसको देखेंगे कि वो जो है बदली जाती है या क्या होता है। ऊपर से यार ये देखो, ये रॉक वॉल यहाँ से पता नहीं क्यों ख़राब होना शुरू हो गई है। ओए होए, हालांकि ये नई अभी रमज़ान में हमने करवाई थी, उसका मुझे जो लगता है ना कि एसी जो चलता है एसी की वजह से इसमें जो है नमी जाती है। हालांकि नीचे जो है ना वो करवाया हुआ है, पक्का करवाया हुआ ताकि जो है बुनियादों में पानी ना जाए, मगर फिर भी जो है ना समझ कोई नहीं आता कि क्या रीज़न हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। तो ये जो है ना अभी एक दो काम करने हैं, तो मोस्ट प्रॉबली गाड़ी पे नहीं जाऊंगा, मोटरसाइकिल पे जाऊंगा। अगर हो गया तो फिर जो है ना वहाँ से इलेक्ट्रिशियन को साथ ही लाएंगे या उसको बुला लेंगे कि भाई आके बैटरी भी चेंज कर दो और इसके जो टर्मिनल के ऊपर रस्ट लगा हुआ था ना उसको भी साफ़ कर दो। फिर अब निकलने की करते हैं, अगर अब्बा जान ने जाना हुआ, वरना फिर बैठे रहेंगे। व्लॉग मैंने शुरू कर दिया रात के इस टाइम पर। अभी जो है बस बैटरी वगैरह का पता करके आया था, तो मामा की जो है ज़रा तबीयत डाउन हो गई उनका, पता नहीं ब्लड प्रेशर लो हो गया, तो मुझे कहती हैं अब मुझे जो है ना जाओ फिर से बाहर और फ्रेश जूस ला दो। अब यहाँ पे घर के साथ ही है आइस ब्लेंड आगे करके है, तो आइस ब्लेंड है जूस तो एक जैसे ही होंगे, तो वो ला के देता हूँ। फिर इसकी बैटरी वाले को बुलाया है कि इसकी बैटरी भी जो है ना चेंज करे, आके दोनों गाड़ियाँ भी बाहर करूँगा ताकि अपना काम जो है ना पूरा हो जाए। फिर अभी निकलते हैं और लेके आते हैं अम्मा के लिए फ्रेश जूस। ये जूस जो है ले आए हैं, अब दरवाज़ा खोलते हैं क्योंकि एक हाथ से व्लॉग बना रहे हैं, दूसरे हाथ से जो है हम ये कर रहे हैं। अब ये हल्का फुल्का सा अगर गिरा हुआ उसका मुझे पता कोई नहीं। मामा सोई हुई हैं, एक हाथ से भाई मोटरसाइकिल चला रहे थे, दूसरे हाथ से जो है जूस पकड़ा हुआ था, तो कुछ ना कुछ तो होना था। मामा ये लें जूस। मामा की ज़रा जो है तबीयत डाउन हुई हुई है, तो आपके लिए कोई बिस्किट नहीं आया, आपने कहा था कि मना कोई ज़रूरत नहीं है लाने की, चॉकलेट दे दो मुझे, या आपने खुद बताया था, मैंने नहीं कुछ कहा। हाँ वापस रखे हैं, ये ले मामा आपका जूस, स्मॉल ग्लास लेके आया हूँ। अब हल्का सा अगर गिरा हुआ इसका मुझे पता कोई नहीं, क्योंकि तुम्हारे वाले काम नहीं है बेटा, आप वाले मेरे काम नहीं है, आ वाले मेरे काम कोई नहीं है। खैर अभी हम बैठते हैं फिर आगे देखते हैं क्या कर रहे हैं। हाँ जी, आपको तो खास लताड़ूंगा मैं, लेट लतीफ। बस तो भाई फुल टाइम भागम भाग ही लगी हुई है, पहले जो है अंदर जूस दे के आए हूँ, अब गाड़ियों को बाहर निकालने लगा हूँ क्योंकि उसने खोलना है, तो वैसे तो दरवाज़ा बार बार खोलना होगा, शायद वो धक्का भी लगाना पड़े, धक्का अब तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी मगर फिर भी अंदाज़ा नहीं है, तो एहतियातन जो है ना मैं गाड़ियों को बाहर ही खड़ा करने लगा हूँ। पहले एल्समैन को करता हूँ बाहर और नीचे देख लेता हूँ यार बिल्ली तो नहीं, बिल्ली ना हो बाकी खैर है। और मैंने देखा है अब ज़रा ना वो बिल्ली यहाँ पे बैठी हुई है, मानो ये बैठी हुई है, ओए खुद ही जो है ना ये निकल जाएगी। वैसे मैंने इसके लिए यहाँ पे दूध भी रखा हुआ था, अब इसने पिया नहीं है, पहले तो इसने खुद ही पी लिया था अपनी मर्ज़ी से। अब गाड़ी बाहर निकालते हैं,
पर फिर जो है ना देखते हैं कि क्योंकि ये जो है शायद छुपना चाह रही है, इंटरेक्ट नहीं करना चाह रही, जिसकी वजह से जो है ना नीचे थी गाड़ी के, अब बड़े ध्यान से निकालेंगे ताकि मानो को कुछ ना हो, वरना एवी जो है ना फ्लूक लपेटा आ ना जाए। नीचे एक दफ़ा फिर से देख लेते हैं। हाँ साइड में चली गई वो उसके अंदर जो है ना अब जा रही है, फिर उसके भी आराम से वहाँ से ना निकल जाएगी है, क्योंकि आगे सर्दियाँ भी आ रही हैं तो फिर जो है ना और ज़्यादा एहतियात जो है करनी पड़ती है। बल्कि आप लोग भी जो है ना इस चीज़ का ज़रूर ध्यान करो कि बिल्ली जो है ना ही नीचे आए, क्योंकि ये अक्सर जो है ना रेडिएटर के अंदर रात को सर्दियों में घुस जाती है ताकि ये ना गर्म रख सकें खुद को। तो आगे जो है ना बस महीने एक में, बल्कि महीना भी नहीं, कोई 15-20 दिन में ये जो है ना फिर इस तरह करेंगी, तो फिर आप लोग यार इसको ज़रूर नोटिस करना है। जिस तरह अभी मैं जो है देख रहा था वही बेहतर होता है, वरना यार बेचारी मर जाती हैं, चिपक जाती हैं, गिर जाती हैं, जल जाती हैं, यही हिसाब किताब होता है इंजन के सेफ की वजह से, क्योंकि बाद ना फंस भी जाती हैं। खैर अब दूसरी भी अंदर करते हैं और फिर जो है ना बाद में देखता हूँ बैटरी वाला क्या भाई करके गया, अल्लाह करे गाड़ी स्टार्ट हो जाए सही। गाड़ी जो है वो स्टार्ट हो गई है, ये सामने जो है टाइवो की बैटरी इसमें लगाई है, अभी होगी 20 लाख। कैसी ले जो अब मसा मसा ये स्टार्ट हो गई है, अब इसको देखते हैं फुल टाइम क्या दुवानी मारी। हाँ काम सेट छुट्टी है, बैटरी ख़राब हुई पड़ी हुई है, अब देखते हैं इसका क्या सिलाम ये हुआ है, अब इसने चलानी भी है कि नहीं। खैर ये जो मानो बिल्ली है ना इसका ज़रा मैं ध्यान वगैरह रख रहा हूँ, तो ये जो है ना शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ज़रा बेहतर होनी शुरू हो गई है। बेज़ुबान जानवर है यार, किसकी दुआ कब लग जाए वो पता नहीं होता, तो बंदा कभी देख लेना तो ज़रूर हेल्प कर देता। अब ये बाहर आके बैठी हुई थी गाड़ी के नीचे, अब मैंने इसी गाड़ी पे जाना है तो फिर इसका ध्यान से निकालेंगे बाहर, या इसको हॉर्न दूंगा ताकि ये पीछे हो जाए और फिर निकलने की करेंगे। खाना खाने के लिए जाना है, वो काफ़ी ज़्यादा लग रही है, और ज़रा बाबा अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हो गए हैं, परहेज़ वगैरह ज़रा प्रॉपर 2-2.5 महीने की है, मगर अभी भी जो है ना मीट नहीं खा सकते, चिकन वगैरह खा सकते हैं, तो फिर हमने सोचा कि चलो चिकन कढ़ाई वगैरह जो है ना खाई जाए। काफ़ी दिनों के बाद और काफ़ी अरसे के बाद जो है ना इस तरह जाने की कर रहे हैं, तो आप बाकी भी जो है आ रहे हैं, ज़रा सिज्जी वगैरह खाएंगे, कोई कढ़ाई वगैरह खाएंगे। हाँ हाँ है वो, आगे से ही निकाल लेंगे ना हम, आप निकाल लें फिर आगे से, और ये हमने खाना पीना। मैं तब तक इसको नीचे से देखूँगा, मानो साइड पे हो जाए, बस बैठी हुई है ऐसे, उसको पता लग जाता है ना वो पहले ही हो जाती है। मामा इसको जाने देना, वो आपसे डरेगी। चलो साइड पे हो जाओ, इधर आ जाओ, मानो वो देख रही है अभी बेचारी, मगर वो जब गाड़ी आगे होगी ना, अभी वो कैमरे भी ये देखो बेचारी, वो वाला जो है ना इसका, हाँ वो आगे वाला जो है ना इसका पाँव उसका मसला है। खैर इसका अंदर जो है मैंने दूध भी निकाल के रखा हुआ, वो भी पी ही लेगी। मामा थोड़ी सी अपनी सीट आगे कर लें प्लीज़। ओए और ये भी आ गया, क्या वो आगे वाला है इसका मानो का, अब ठीक हो रहा है, ज़रा बेहतर ही हो रहा। क्या कह रहे हो? कुछ नहीं कह रहा, कुछ तो कह रहे हो। मौसम अच्छा ही है, शीशे नीचे कर लें, शीशे नीचे ही कर लेते हैं। क्या कर पा रही है यार, लोगों ने एसी भी बंद कर दिया। वो सामने जो है डोगर सिज्जी हाउस है, अब कढ़ाई वगैरह ऑर्डर कर दी है, और यहाँ पे जो है ना अभी मैंने देखा है कि जेबीज भी बन गया, मगर पहले खाना खाएंगे बाद में देखेंगे कि अगर मीठा खाने की गुंजाइश है। तो वो सामने जो लटक रही है ना, ओए बड़े खूबसूरत किस्म की जो है ना सिज्जी लग रही है जो सामने, आपको पास से भी जाके मैं दिखाता हूँ कि क्या हिसाब किताब है। और यहाँ पे जो है ना सब्जियाँ बनने लगी हुई हैं, और ऑर्डर तो कर दिया, बस अब ये अपने हिसाब से जो भी ऑर्डर का हिसाब किताब है, वहाँ पे चावल जो है डलने लगे हुए हैं उसमें, और यहाँ पे ये जो है ना सब्जियाँ वो ग्रिल होके बाद में मसाले और उसको अपने हिसाब से काट रहे हैं, जैसे 4 पीस करने होते हैं, जो भी हिसाब किताब है। चिकन कढ़ाई जो है आ गई है, साथ में ताज़ा रोटी, कुरकुरी सी रोटी। अब जो है खाना शुरू करते हैं, शोर जो है काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, तो फिर जो है ना आपको बाद में मिलते हैं।
खाना खा लिया और पेट भर गया फुल टाइम। अब जाके जो है ना देखेंगे व्लॉग भी अपलोड करना है और यहाँ पे अब अम्मा अब्बा दोनों की जो है ना फ्रूट की शॉपिंग चलनी शुरू हो गई है। मैं और मुश्तबा ही रह गए थे उतरने वाले, हम दोनों ने कहा हम गाड़ी में बैठ जाते हैं यही दो उतर जाएं, क्योंकि माम बाबा को एक तो सब्जियाँ लेना और दूसरा फ्रूट लेना बहुत ही पसंद है। तो अभी भी उतरे हुए वही ना, तो बस चुप करके हम जो है बैठे हुए हैं, अब वेट कर रहे हैं कि घर चलेंगे और कढ़ाई खाने का फुल टाइम मज़ा आ गया है, सुकून हो गया। नोजल क्या हुआ नोजल को आजकल? वैसे भी मुश्तबा का पेट जो है ना ख़राब चल रहा है, तो अब आप बाकी आगे समझ ही सकते हो मुश्तबा की नोज़लें जो है ना ख़राब हुई पड़ी हुई है ना। मैंने सही कहा है ना, नोज़ल ख़राब है ना। दाल लड़ गई थी। ओ भाई दाल के साथ कौन चाइनीज़ खाता है? ये भाई खाता है ठीक है ना, दाल के साथ चाइनीज। ओ भाई बस कर दो, दाल के साथ चाइनीज पेपर था वो चिकन ड्राई। हाँ जो भी था खाया भाई इसने, और बाद में इसकी नोज़ल ख़राब हो गई। अब जो है इसने फिर जो है खाना खाया और फिर जो है आप कह रहे हैं मेरी तबीयत ख़राब हो रही है। बाकी आप सब समझ सकते हो, अक्लमंद लोग हो, पढ़े लिखे लोग हो, तो कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। घर जाएंगे और फिर इस व्लॉग को करेंगे घर जाके एंड। आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं, रात काफ़ी ज़्यादा हो गई, इंशाल्लाह कल सुबह आपसे मुलाकात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और इस चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं, आने वाली वीडियोस आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिल जाए। फिर कल मिलते हैं आपको एक नए दिन में सुबह में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।